मेरा चैनल आई एम विद्रोणी कैन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल स्टेइंग सेफ। आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के, बिकॉज यार फिजिक्स के अंदर ना इतने सारे, लिटरली बता रही हूँ अभी मैं जैसे प्रिपरेशन करी हूँ ना, मेरे को भी काफ़ी बीच बीच में काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं, सिली डाउट्स आ रहे हैं, कहने का मतलब सिली मिस्टेक्स होती है, मेरे को सिली डाउट्स आ रहे हैं कि मतलब कैसे लगता है कि यार ये पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, बट जब उससे पूछते हैं ना, डाउट क्लियर करते हैं, तो इतना इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट वहाँ यूज़ हो रहा होता है। इस चीज़ से ना मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली जो आप सबके साथ मैं पर्सनली सीरियसली शेयर करने आई हूँ कि यार आप सबको मैं बताऊँ कि यार ये गलती ना आप सबसे अभी हो रही होगी। आई थिंक गलती क्या है कि ना जब बेसिक्स चल रहे होते हैं ना, तब हमें ये होता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या, ये चीज़ें तो हमें आती हैं, तो हम उसको ना ध्यान से नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, बेसिक्स को क्लियर नहीं करते हैं। बट एक चीज़ है, अगर मैथ्स के अंदर, आई मीन कि मैथ्स के अंदर जैसे कैलकुलेशन वगैरह हो गई सब, ये कुछ जो चीज़ें हैं ना, जो मैथ्स का जो पार्ट है, इसके अंदर लैक करोगे ना, ऑब्वियसली आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं होने वाली है। इस टाइम पे ये पॉसिबल है कि अभी से अगर आप इतनी यार सच्ची लगन से और कड़ी मेहनत से आप मेहनत करोगे ना यार सच्ची में, तो फिजिक्स के अंदर अभी पॉसिबल है कि आप 180 ला सकते हैं, ये 2024 के अंदर आपके 180 मार्क्स आ सकते हैं, ये पॉसिबल है। बट ये पॉसिबल कब होगा, जब आप अपना 100% देंगे। एक चीज़ है, मैंने ना थोड़े टाइम पहले MR सर की एक वीडियो देखी थी, ठीक है, उस वीडियो में क्या था, उसके अंदर ना MR सर ने एक बात बोली थी, ग्रेविटेशन ना हर एक चीज़ को नीचे खींचती है, ग्रेविटेशन हर जगह लगती है। तो सामने जो थे उन्होंने पूछा भी कैसे ग्रेविटेशन हर एक जगह कैसे लगती, तो MR सर ने बोला कि आप अपना गोल ये रखोगे कि हमारे तो भाई 140 नंबर आ जाए फिजिक्स के अंदर, बाकी हम उधर सेट कर लेंगे, तो आपके क्या होगा कि 100 नंबर बनेंगे, क्या होगा वहाँ पे आपके वो मार्क्स नीचे डाउन चले जाएंगे ग्रेविटेशन के। अगर आप सोचोगे कि आपकी रैंक आ जाए 100,000 आपकी रैंक आ जाए, तो आपकी रैंक आएगी 5,000, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन उतना ले जाएगी, मतलब उतनी मेहनत अगर आपने की है ना 1,000 वाली, तो आपको 5,000 के अंदर रैंक आपको मिल जाएगी कोई ना कोई। अगर आप सोचोगे कि हम मेरी रैंक आएगी 500 के अंदर, तो आपकी 1,000 रैंक आपकी आ जाएगी, वहाँ भी ग्रेविटी लगेगी। इसलिए सर ने बोला कि इतने ऐसे लेवल पे अपने ना वो मतलब अपना गोल इतना हाई रखो कि यार अगर ग्रेविटेशन भी खींचे ना, तो इतना सा खींचे कि आपको फिर भी खुशी हो कि यार ये लेवल मैंने अचीव किया है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल जो मिनिमम लेवल है वो सोच के बैठे कि इतने ही आ जाए, अब उसको अगर ग्रेविटी ने खींच लिया और तो नीचे उसे भी नीचे चल जाओगे जहाँ आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। बट मेरे को ये एक्सप्लेन करना नहीं आता था, बट मैं आपको हमेशा ये चीज़ ज़रूर बोलती थी, अपना गोल हमेशा हाई रखो, ताकि अगर कहीं भी कुछ भी लॉस वगैरह हो ना, तो थोड़ा सा लॉस हो बट आपका सिलेक्शन पक्का हो अच्छे कॉलेज के अंदर, ये मैं आपको हमेशा बोलती थी। आज मेरे को ये MR सर की बात ना यार दिल पे लगी यार सीरियसली, कि ग्रेविटी हर जगह लगती है, मेहनत करोगे जितनी मेहनत करोगे ना वहाँ ग्रेविटी लगेगी, वो थोड़ा सा नीचे लेके जा पाएगी बस, तो इतनी मेहनत कर दो, ऐसा गोल बना दो ना जहाँ पर अगर ग्रेविटी भी खींचे ना तो थोड़ा सा खींच पाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी फिजिक्स के अंदर, इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने, एक डाउट होता है स्टूडेंट्स को कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने लगाए हम पर चैप्टर के, तो यार इन्फिनिटी, जितने लगा सकते हो ना उतने लगाओ, गिनो मत इसके हम इतने क्वेश्चंस लगाने, इसके हम इतने क्वेश्चंस लगाने, ये मत करो, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने क्वेश्चंस लगाओ, बट क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए क्वेश्चंस लगाने का, जो आपको नोट्स के अंदर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं ना, सारे क्वेश्चंस सब फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं क्वेश्चंस को करना है, उसके बाद में आपको जो प्रैक्टिस वगैरह शीट वगैरह दी जाती है, अगर ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं जैसे DPP वगैरह दी जाती है, तो वो DPP लगाएं, एंड जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके पास मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, सर वहीं पे मार्कआउट करवा ही देते हैं कि ये क्वेश्चन बेटर लगाने हैं आपको, आज ये क्वेश्चन कर देना, तो वो क्वेश्चन जरूर लगाएं, डेली का डेली जो वर्क दिया उसी दिन करें, ठीक है। देन उसके बाद में PYQs लगाएं, एंड जो ऑनलाइन वाले थे जिन्होंने अभी तक सिर्फ DPPs लगाई थी, उनको जो उनके पास अगर कोई स्टडी मटेरियल है, कोई मॉड्यूल है किसी इंस्टीट्यूट का या जो भी स्टडी मटेरियल है, वहाँ के क्वेश्चंस वो अपने लगाएं, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ यहाँ का मटेरियल अच्छा है, यहाँ के क्वेश्चंस अच्छे हैं, उस मॉड्यूल को उस बुक को लगाएं, उनके क्वेश्चंस लगाएं। उसके बाद में PYQs लगाएं, सभी PYQs मस्ट हैं, ये आप सबको पता है ना, PYQs लगाएं। उसके बाद में आपको यार सिर्फ टेस्ट देने हैं, फिर इस साइकिल को रिपीट करना है बस, इससे अलावा आपको कहीं कोई बुक के ऊपर स्टिक नहीं होना है, कोई HC वर्मा और वो एक दो बुक्स और होती हैं, इनके ऊपर कहीं नहीं जाना है इन बुक्स के पास, जो इतना साइकिल है ना, ये सबसे पहले लेक्चर्स के क्वेश्चंस, देन DPPs, देन मॉड्यूल के क्वेश्चंस, देन PYQs, एंड देन टेस्ट के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, एनालाइज करना है, ठीक है, फिर इस साइकिल को रिपीट करना है,
बस इसके अलावा कहीं पे भटकना नहीं, इधर उधर रिसोर्सेज थोड़े रखने हैं, बट उस जो रिसोर्सेज आपके पास थोड़े हैं ना उनको अच्छे से करना है। इस साइकिल को जब तक आप रिपीट करते जाएंगे ना, आपको ये चैप्टर जो भी चैप्टर होगा वो आपको टिप्स पे हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये फॉर्मूलाज लगते हैं, ये फॉर्मूलाज इसके अंदर है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। और देखो यार क्वेश्चंस तो आपको पता ही है कि बोलते हैं कि इन्फिनिटी, इसके बारे में इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि जितने क्वेश्चंस कि गिन के नहीं लगाओ कि इस चैप्टर के 100 ही क्वेश्चन लगाने हैं, 200 क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन ये साइकिल को रिपीट करो और जो जैसे टेस्ट आपके होते जाते हैं उन टेस्ट का एनालाइज करो, अच्छे से एनालाइज करो कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, कहीं गलती हो रही है तो उसको एनालाइज करो। एक चीज़ को देखो कि कौन से कॉन्सेप्ट से जो टेस्ट आपके हो रहे हैं वो ज़्यादा क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, उससे आपको पता चलेगा कि यार मतलब इंस्टीट्यूट को जहाँ से आपके टेस्ट आ रहे हैं कि उनको क्या लगता है कि कौन से कॉन्सेप्ट ज़्यादा, कौन से ज़्यादा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपको भी क्लैरिटी आएगी कि हमें मतलब कि रिवाइज करते वक्त भी ना एक फोकस कंसंट्रेशन के साथ ना कौन से कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से रीड करना है। एंड नेक्स्ट थिंग कि यार फिजिक्स को ना ज़्यादा वो मत लो, ज़्यादा उसको ना डर मत बिठाओ, जो फियर है ना आपका फिजिक्स के लिए उसको बाहर निकालो। वो जब आप बाहर निकालोगे उसी के बाद आप फिजिक्स पढ़ पाएंगे। उसके अलावा ना मतलब एक चीज़ हो रहा है, सीरियसली बताऊँ बच्चों को क्या होता है कि ना हम टीचर्स उनको डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि यार इन सर से पढ़ लें उनसे पढ़ लें, एक चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, कई बार टॉपिक्स के बीच में भी स्किप कर जाते हैं कि यहाँ ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, नेक्स्ट टीचर भी स्विच कर जाएंगे। यार ऐसा सब कुछ मत किया करो, लॉस आपको होगा, किसी का लॉस नहीं हो रहा। यार एक टीचर के साथ केमिस्ट्री बिठाओ कि हाँ हमें इस टीचर का समझ आता है, हमें इस टीचर से ऐसी केमिस्ट्री बनाओ टीचर के साथ कि यार मतलब आपको कुछ भी समझा देना, इतना हार्ड से हार्ड होते ऐसा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी समझा देना आपको समझ आ जाए, यार उन सर ने पढ़ाया ना हमें को समझ आ गया। बस ऐसे करो, टीचर के ऊपर स्विच मत करो, क्योंकि अब कह रहे इतने मैच्योर तो आप हो ही गए होगे, स्पेशली टॉपर स्टूडेंट्स आपको पता चल ही गया होगा कि यार पहले जो आपने गलतियाँ की थी उनको रिपीट नहीं करने हैं। एंड जो फ्रेशर्स हैं यार उनके लिए तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि डियर बस जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना उनके ऊपर, आपको पता नहीं है ना किसी और टीचर के बारे में जानो भी मत, जो आपको पढ़ा रहे हैं ना उनके ऊपर विश्वास रखो, बस ट्रस्ट करो आंखें बंद करके। आज के लिए बहुत हो गया, बट एक बात याद रखना कि जो दी ने बोला है ना आपको, जो दी ने गाइडेंस दिया ना, दी कभी भी गाइडेंस कभी गलत नहीं देती, दिल से बोल रही है कि दी कभी भी गाइडेंस गलत नहीं देती किसी को भी। अगर कुछ ऐसा होगा ना कि किसी ने कुछ पूछ भी लिया है और कुछ को प्रॉपर नहीं पता है, प्रॉपर श्योर नहीं है ना उस चीज़ के बारे में, तो दी बताएगी नहीं, ये मंजूर है दी को, बट गाइडेंस कभी गलत नहीं देगी। तो याद रखना कि दी ने जो गाइडेंस दिया ना उसको एक बार फॉलो करके देखना, आप सबके साथ अच्छा ही होने वाला है यार। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।